स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर वन सप्लीमेंट्री विटास। ये ट्वेल्थ से रिलेटेड है, ट्वेल्थ की इंग्लिश में सप्लीमेंट्री विटास में पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, जिसको जैक फिनी ने लिखा हुआ है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम आपको दे चुके हैं, वो आप आई बटन में जाकर के देख लीजिएगा, लास्ट में इंड स्क्रीन आता है वहां से भी मिल जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें और समझें और उसको अपनी कॉपी पर नोट भी कर लें। फिलहाल आज हम लोग लॉन्ग देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट से ही मिलते हैं। अगर आपने शॉर्ट अच्छे से लर्न कर लिए तो आपको लॉन्ग भी समझ में आ जाएंगे। सो गाइस देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल। चार्ली जो है तीसरे तल पर कैसे पहुंचा। हाउ वॉज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू द चार्ली एक्सटेंडेड। यहाँ पे हम द हटा सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो द नोट करना सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार एक्सटेंडिंग एंड एक्सटेंडिंग का मतलब होता है फैलना, फैल रहा था। तो चार्ली के अनुसार जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वह किस प्रकार फैल रहा था और क्यों। वन नाइट, एक रात्रि चार्ली वर्कड लेट एट द ऑफिस। एक रात्रि जो है चार्ली ने ऑफिस में देर तक कार्य किया। ही वॉज इन हरी, वह जल्दी में था। टू गेट बैक मतलब वापस जाने को, जल्दी जल्दी में वापस निकलने को था वो, यानी कि निकल रहा था। टू हिज हाउस अपने घर को। सो ही डिसाइडेड इसलिए उसने सोचा टू टेक लेने का द सबवे, कि वह एक सबवे ले लेगा। सबवे का मतलब होता है भूमिगत रेल और भूमिगत मार्ग भी इसका मतलब होता है। तो उसने सोचा कि हम भूमिगत रेल ले लेते हैं जल्दी से फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ही वेंट डाउन स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है, पद क्रम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर है आगे बढ़ना। तो ही वेंट डाउन, वह नीचे की ओर आगे बढ़ा क्योंकि वो भूमिगत मार्ग से जाने वाला था ना, तो वो नीचे की ओर आगे बढ़ा। एंड केम टू द फर्स्ट लेवल, तो वो पहले लेवल पर जाता है। देन ही वॉक डाउन टू द सेकेंड लेवल फ्रॉम वेयर द सबर्बन ट्रेन लेफ्ट्स। पहले तो मतलब वो फर्स्ट लेवल आता है लेवल पर, फिर उसके बाद लेवल पर, और देन ही कहाँ वॉक डाउन, फिर वो जो है नीचे की ओर चलता हुआ जाता है, फिर सेकेंड लेवल पर आ जाता है जहाँ से सबर्बन यानी कि उपनगरीय ट्रेन मिलती है। ये उपनगरीय इसका मतलब होता है एक नगर से यानी कि नजदीक के नगर को ले जाने वाली ऐसी ट्रेन्स। ही डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे एंड गॉट लॉस्ट। वह जो है, वैसे तो डग्ड का मतलब हम बता रहे हैं आपको झुकना होता है, लेकिन यहां पर हम कहेंगे झुकना ही है, लेकिन जो आर्क्ड है ये सकरा है, डोरवे यानी कि द्वार निचला होता है। तो जब भी उसके पास एक द्वार था तो वो क्या क्या उसने कि उसको झुक करके मतलब आगे क्रॉस किया, आगे निकला जैसे ही डोरवे यानी कि दरवाजे के पास, एंड गॉट लॉस्ट और अपना रास्ता भूल गया, क्योंकि वो एक भूलभुलैया से कम नहीं था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वहां के रास्ते सब एक जैसे ही लगभग थे। तो आगे बढ़ता है तो वह रास्ता भूल जाता है। नोइंग दैट या जान करके कि ही वॉज गोइंग रॉन्ग, कि वह गलत जा रहा है, बावजूद इसके जो है बी कंटिन्यू टू वॉक डाउनवर्ड, और वो नीचे की ओर चलता चला गया। द टूनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, जो टूनल थी जिसमें से वह जा रहा था, एक सुरंग कह सकते हैं, सुरंग गुफा मार्गीय टाइप का सुरंग जो है वो अचानक से मुड़ी, टर्न शार्प लेफ्ट मतलब एकदम से लेफ्ट की ओर बाएं की ओर मुड़ी। एंड देन टेकिंग अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जब मुड़ी तो जब वो मुड़ती है तो जब वो आगे जाता है तो उसने क्या किया, उसने स्टेयर्स की फ्लाइट ले ली मतलब सीढ़ियों से वो जाने लगा। लेकिन यहाँ पर फ्लाइट तो होता है ना उड़ान भरना, लेकिन यहाँ पे उड़ान भरना नहीं है, सीढ़ियाँ कह सकते हैं हम लोग, जीने गांव घर में हम लोग इसको जीने बोलते हैं। तो जीने के माध्यम से यानी कि वो आगे बढ़ता है। ही केम आउट ऑफ द थर्ड लेवल, और फिर वो जीने के माध्यम से जब आगे बढ़ता है तो वो जो है थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। According to Charlie, चार्ली के अनुसार द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज, चार्ली के अनुसार जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था एक्सटेंडिंग बढ़ रहा था लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह, या कह सकते हैं पेड़ की शाखाओं की तरह भी कह सकते हैं, रूट्स यानी कि जड़ों की तरह भी कह सकते हैं। बिकॉज ही ऑलवेज डग, क्योंकि वो हमेशा जब भी कहीं पर निकलता यानी कि जब आगे बढ़ता और झुक करके एक नए दरवाजे के आगे जैसे ही वो जाता तो उसको क्या मिलता था, इनटू न्यू डोरवे, और उसे एक नया द्वार यानी कि एक नया मार्ग दिखाई देने लगता था। एंड स्टेयरकेसेस, और एक नई सीढ़ियां, मतलब होती तो वो सेम एक ही तरह की थी दिखने में, लेकिन वो उसको लगता था कि मैं जो है नए गलियारे में आ चुका हूँ। हर बार जब वो निकलता था तो उसको कोई ना कोई नया गलियारा मिलता था।
तो लास्ट में ये है स्टेयरकेसेस, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आंसर। डिसाइड द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली। तो चार्ली के अनुसार आपको थर्ड लेवल को डिस्क्राइब करना है। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर, उसने श्योर होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए उसने क्या किया, दैट की ही वाज इन 1894। मतलब चार्ली ने यह निश्चय करने के लिए कि वह 1894 के समय में है, तो उसने क्या किया था। व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स, और वह टिकट्स क्यों खरीदना चाहता था, इन सारे सवालों के जवाब देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू चार्ली द रूम्स ऑन द थर्ड लेवल वर स्मॉलर देन दोज ऑफ द सेकेंड लेवल। चार्ली के अनुसार जो रूम्स थे थर्ड लेवल के, वो बहुत ही छोटे थे सेकेंड लेवल के तुलना में। सेकेंड लेवल की तुलना में जो थर्ड लेवल के रूम थे वो बहुत ही छोटे थे। देयर वर फेवर टिकट्स विंडो, वहाँ पे जो विंडो भी थी वो भी उससे कम थे। इसका मतलब होता से कम, जो टिकट विंडो थी वो भी कम थी। एंड ट्रेन गेट्स भी कम थे। द इंफॉर्मेशन बूथ, जो सूचना पटल होता है, बूथ का मतलब सूचना पटल, ये इंफॉर्मेशन बूथ, इन द सेंटर, बीच में, थर्ड लेवल के बीच में वहाँ पे एक सूचना स्थल था, कह सकते हैं सूचना पटल था, जो कि लकड़ी का बना हुआ था एंड ओल्ड लुकिंग, और जो पुराने मॉडल का लग रहा था। देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइटेस, और वहाँ पर क्या था कि वो लाइटेस जल रही थी। घरों में आज आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा पुराने समय में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे लैम्प्स और लालटेन चलती थी। तो इस तरह की लैम्प्स जो थी जल रही थी। एंड ब्रास, ब्रास का मतलब होता है पीतल के थूकदान जो फर्श पर रखे हुए थे। एवरीवन एट द स्टेशन वाज ड्रेस्ड, हर कोई वहां का जो है स्टेशन पर जो है वाज ड्रेस्ड लाइक 1894। हर कोई उस स्टेशन पर 1894 की तरह के ही कपड़े पहने हुए थे। टू मेक श्योर दैट, या निश्चित करने के लिए कि ही वाज इन 1894, कि वह 1894 के समय में है। ही लुक्ड एट द न्यूज़पेपर, और उसने एक न्यूज़पेपर देखा। द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर था, ही हैड सीन, जिसे उसने देखा, वाज डेटेड, उस पर डेट पड़ी हुई थी 11th June 1894 की, उस पर डेट पड़ी हुई थी 11 जून की, जिससे क्लियर हो गया कि वो 1894 के समय में है। He wanted to buy tickets. अब लास्ट वाला जो यहाँ पर बताया गया था ना, why did he want to buy tickets? में लास्ट में देख इसका आंसर हम देखेंगे। He wanted to buy tickets to Galesburg. वो Galesburg के लिए टिकट खरीदना चाहता था, because क्योंकि he had heard, क्योंकि उसने सुना था that कि it was a very peaceful place. क्योंकि उसने सुना था कि जो Galesburg है वो बहुत ही शांतिमय एक स्थान है, जहाँ पर बहुत सारी शांति है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट टू लॉन्ग्स। नेक्स्ट लॉन्ग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर दे रहे हैं तो वो बड़ा हो जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, और ये आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है, जिसे उनको भी थोड़ा सा इसमें मदद मिल सके। तो देखते रहिए जगत क्लासेस काकराबाद। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।